फ्रेंड्स, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है 28 सितंबर बैच के। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वंदना कुमार, मैं आसाम से हूँ, डिस्ट्रिक्ट का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? दरंग। दरंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वंदना कुमार, ये बताइए आप आकर यहाँ कितने दिन हो गया? 3 दिन हो गए सर। 3 दिन हो गया है, ठीक है। अभी आप इस सेट में क्या किए? इसका सीपीयू निकाल के फिर रिबॉलिंग करके लगाया। अच्छा, ये बताइए, इसका आप सीपीयू भी निकाल लिए और रिबॉलिंग भी किए, तो पहले आप यहाँ आने से पहले कभी रिबॉलिंग किया करते थे? नहीं सर। कभी आईसी के ऊपर काम किया करते थे? नहीं किया सर। अच्छा, अभी कितने दिन हुआ क्या? 3 दिन हुआ सर। 3 दिन में आप रिबॉलिंग सीख चुके हो और आईसी निकालना लगाना भी सीख चुके हो। अच्छा, ये सेट में आपने सीपीयू निकाला, ठीक है, बताइए ऑन करके। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने इसका सीपीयू निकाला है और इसको रिवॉल्व किया और वापस सीपीयू लगाया भी है। आप ही ने किया है ना? हमने तो नहीं किया है, आप ही ने अपने हाथ से किया है। और सेट पूरी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है। अच्छा वंदन, ये बताइए, आपके 3 दिन हो चुका है यहाँ पर, क्या क्या सीख चुके हैं आप यहाँ पर? यहाँ आके जो नॉलेज नहीं था सब कुछ सीख चुके हैं, कंपोनेंट से लेकर। कैसा लग रहा है आपको अभी 3 दिन में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर आप कहाँ आसाम से हो? आसाम से। तो अगर वहाँ से कोई आना चाह रहे हो यहाँ सीखने के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, वहाँ से कोई आना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ। अच्छा, खाली लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या करते हैं यहाँ? प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? यहाँ पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी होता है, सारी चीज़ प्रैक्टिकल ही होती है ना यहाँ पर। अच्छा, कितने घंटे की क्लास होती है यहाँ पर? यहाँ सुबह 8 बजे से शाम के। सुबह आज कितने बजे आए आप? 8 बजे आए सर। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, अभी 7:30 हो रहा है, यानी 8 बजने के करीब, यानी के पूरे 12 घंटे होने आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बंदन।